सफलता पाना है तो दर्द को सहना पड़ेगा। आइए, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपक केळकर हमारे चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ कि सफलता पाने के लिए दर्द को सहन करना कितना जरूरी है। देखो, आप जब बहुत दर्द सहन लेते हैं या बहुत कठोर परिश्रम करते हैं तो सफलता तो मिलनी है, मगर हमको वो करना नहीं है और सफलता तभी भी चाहिए। एक रस्सी यदि पत्थर पे हम घिसते हैं तो पत्थर के ऊपर भी निशान छूटेंगे या रहेंगे। मराठी में ऐसे कहावत है कि प्रयत्न वाळूचे कण रगडिता तेल ही गळे। इसका मतलब यदि आप कोशिश करते हैं तो वाळू जो रहती है तो उसको भी हमने रगड़ दिया तो वहां से तेल निकलेगा। या कठोर परिश्रमास पर्याय नहीं, यानी कठोर परिश्रम जब हम करते हैं तो उसको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो वो पत्थर को छन्नी हाथों से ठोकते रहता है, तो पत्थर के दो टुकड़े करने पड़ते हैं। मगर पहला घाव डालते हैं तो उसे कुछ नहीं होता, दूसरा घाव डालते हैं तो कुछ नहीं होता है। बार बार कितनी भी घाव डालेगा तो ऐसा लगता है कि हुआ तो नहीं है, मगर आखिरी का जो घाव रहता है जिसके पत्थर टूट जाता है, हमको लगता है कि वो आखिरी घाव से टूटा। नहीं, पहले जो 100 डाले उसका क्या हो गया, वो अंदर से खोखला होता गया पत्थर और आखिरी टूट गया। मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो डेफिनेटली पत्थर के ऊपर बहुत घाव जाते हैं। एक मूर्तिकार को पूछा कि भाई आप तो बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाते हो। बोले नहीं नहीं, मैं मूर्तियाँ नहीं बनाता हूँ। बोले नहीं, हमने तो देखा है कि आप इतनी अच्छी मूर्तियाँ बनाते हो पत्थर से। बोले मैं मूर्तियाँ बनाता नहीं हूँ मैं। बोले फिर आप करते क्या हो? बोले मैं जो टुकड़ा नहीं चाहिए पत्थर का वो निकालता हूँ। तो जो नहीं चाहिए वो निकाल दिया तो अंदर तो मूर्ति है, पत्थर के अंदर ही भगवान है। जो नहीं चाहिए वो निकालना है। तो हमको क्या करना है? हमारे अंदर भगवान बैठा हुआ है, हमको जो नहीं चाहिए, जो हमको तकलीफ देने वाला है, जो बुरी आदत है वो निकाल दो, लेट गो करो। और वो आप जब निकाल देंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। आप जब हार्ड वर्क करते हो तो डेफिनेटली सफलता मिलती है। जब आप कंसिस्टेंटली वही काम करते हो, बार 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 परसिस्टेंटली वो काम करते हो, चिपक के रहते हो, सफलता मिलेगी। ऐसा बोला जाता है कि भाई कोई भी काम आप 1000 दिन वो करते हैं, 1000 डेज, देखो आपको उसमें मास्टरी आ जाएंगे। ऐसा बोला जाता है कि 10000 घंटे कोई ड्राइवर यदि ड्राइविंग करता है कार की तो बहुत अच्छा ड्राइवर बन जाएगा। मतलब प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, और वो कंसिस्टेंटली करना पड़ता है, बार 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 करना पड़ता है। एक पत्थर के ऊपर यदि बार 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 टपक 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 पानी गिर रहा है तो पत्थर भी टूट जाएगा, उसके ऊपर सुराग आएगी, मगर वो सालों तक टपकना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। तो आपको बहुत परेशानियाँ लेनी पड़ेंगी, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। यदि आपके जो गोल्स है वो गोल्स पक्के हैं और वो गोल्स इतने पक्के हैं कि नहीं भी नो मैटर व्हाट, मुझे तो वो हासिल करना ही करना है, कुछ भी हो जाए तो हासिल करना पड़ेगा और करूँगा ही, और उसके लिए कुछ तो भी कारण है डेफिनेटली, तो फिर वो गोल हासिल हो जाएंगे और आपको कितनी भी तकलीफ आएंगे तभी वो गोल हासिल करेंगे। मेरे नाना जी ने मुझे बोला कि नहीं नहीं आप डॉक्टर बनो, और डॉक्टर यदि आप बनते हैं तो स्वार्थ और परमार्थ होता है। परमार्थ आप करते हो, लोगों को अच्छा भी करते हो, और स्वार्थ आपको पैसा भी मिलता है। तो मैंने उनको शब्द दिया था कि नहीं नहीं मैं डॉक्टर बनूंगा, और वो नहीं रहे तभी भी फिर मैं डॉक्टर बना, क्योंकि मैंने उनको शब्द दिया था। इमोशनली वो गोल को मैं बहुत अटैच था कि नहीं मैंने उनको शब्द दिया है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, अभी वो नहीं है दुनिया में, तभी भी मैं डॉक्टर बन नहीं है। तो उसमें वो गोल हासिल करने में बहुत कठिनाइयाँ हुई, बहुत तकलीफें आई, मगर वो मैं पक्का था कि नहीं हमको डॉक्टर तो बनना ही है कोई भी हालत में। तो कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली वो काम करना है, इमोशनली बहुत पक्का रहना है, गोल पक्के होना कि वो हासिल करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए तो आपको सफलता मिलेगी, सफलता आपके पैर छू मिलेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।